2 सितंबर को केंद्र में जो नई सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की, उसके 100 दिन पूरे हो रहे हैं और वो 100 दिन की समीक्षा हम अपने आईने में जनता की निगाह से, अपनी निगाह से जिस तरीके से हमने देखा है और महसूस किया है, इन 100 दिनों की उनकी परफॉर्मेंस को देखा है। और इस सिलसिले में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से उस दिन हर जिला मुख्यालय पर एक विरोध मार्च के आयोजन का निर्णय लिया गया है। ये 100 दिन इलेक्शन के वक्त के उनके नारे और किस तरीके से गुजरे, उसके जो महत्वपूर्ण 5 बिंदु सामने आते हैं कि इलेक्शन के वक्त का इनका नारा था कि 100 दिन सत्ता में आने के बाद हम काला धन वापस ले आएंगे। दूसरी चीज, इन्होंने इसी तरफ ये भी वादा किया था कि हम महंगाई को रोक देंगे। इन दो बिंदुओं पर ही अगर हम चर्चा करें तो काला धन वापस नहीं आया और उससे जुड़ी हुए लिमिटेशंस को जो यूपीए सरकार के वक्त में सरकार कहती थी कि ये दिक्कतें हैं उसके डिस्क्लोजर की, उन्हीं चीजों को इनके द्वारा भी दोहराया गया। महंगाई की रफ्तार सब्जियों से लेकर के अन्य चीजों पर आपके सामने है। रेल के किराए की बढ़ोतरी 14% और 6% माल भाड़े की, इतनी जबरदस्त बढ़ोतरी उसने एक रिकॉर्ड कायम किया है इन 100 दिनों में। एक और रिकॉर्ड भी इनके नाम कायम हुआ है 100 दिनों का कि देश की सुरक्षा, सीमाओं की सुरक्षा, पाकिस्तान की नापाक हरकतों का जवाब, सर काटने वाली घटना के एवज में इनके दिए गए भाषण, अगर हम उन सब चीजों की को बिंदु बना करके अगर उसका हम असेसमेंट करें 100 दिन में, तो देश की सीमाओं पर इतना प्रहार इस 100 दिन में हुआ है पाकिस्तान के द्वारा गोलियों के जरिए और चाइना के द्वारा घुसपैठ के जरिए, जितना शायद पहले कभी नहीं हुआ था। सद्भाव, शांति, अमन चैन की बात अगर हम करें तो इन 100 दिनों में हम अगर अपने प्रदेश को ही लें तो तनाव की इतनी घटनाएं सामने आई हैं, हालांकि सरकार यहां पर दूसरे दल की है, लेकिन उन घटनाओं की तह में जाकर के अगर हम देखेंगे तो हम पाएंगे कि कहीं ना कहीं से केंद्र शासन जिस पार्टी का है, भारतीय जनता पार्टी का, उसका एक अहम रोल